गुड मॉर्निंग भाइयों विजन लवर अकेडमी में आप सबका स्वागत है और भाइयों आज आपके साथ ठंडा पानी बाजी से एक दिन पहले रात को लगने वाला ठंडा पानी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे भाइयों वीडियो को प्लीज़ ध्यान से पहले देख लीजिएगा फिर ये सामान लेके आइएगा बहुत से लोग जल्दी करते हैं और सारा सामान सब बात समझ नहीं पाते और सीधा सामान होना नहीं सामान को रेडी कैसे करना है ये बातें समझ लीजिए मैं आइटम के नाम के बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए गुलाब के फूल केशु के फूल छोटी इलायची धनिया चंदन बूरा तबासीर मिश्री मलेठी सरत चीनी कामनी देसी अजवैन बड़का दूध समुद्री झाग सुच्चे मोती और दालचीनी इसमें आपने देसी अजवैन पाँच ग्राम लेनी है और बाकी सामान दस दस ग्राम लेना है ठीक है और सबसे नीचे चांदी का वर्क एक पीस मैंने इस करके रखा है क्योंकि ये बहुत से लोग नहीं चांदी का वर्क देख के ना नुस्खा ही छोड़ देते हैं चांदी का वर्क इतना ज़रूरी नहीं है बट अगर आप लेना चाहो तो कबूतर के हिसाब से ले लो एक पीस जो है ये तकरीबन आप दो कबूतरों को दे सकते हो और अगर एक कबूतर को दे दो बहुत गर्मी है तो ही वरना खुराक पे लगा के दे रहे हो तो मत दो तो ठीक है ना आपने गुलाब के फूल केशु के फूल इनको छाव में रख देना है धनिया चंदन मुरा ये सब छाव में रखने दो तीन दिन के लिए इसमें जो मेन चीज़ है कामनी अगर भाइयों आपको कामनी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं आप उसको छोड़ देना क्योंकि ये मुश्किल से ही मिलती है कईयों को नहीं मिल पाती जो उनसे भाई कबूतर ज़्यादा ऊंचा जाना नहीं पसंद करते वो इसमें से सुच्चे मोती निकाल दें ठीक है ना सच्चे मोती दस ग्राम की जगह बहुत क्योंकि बहुत कॉस्टली है और जो लोग पंजाबी उड़ा रहे हैं या नई ऊँचा कबूतर भेजना चाहते हैं वो सच्चे मोती निकाल दे ठीक है इसको मत यूज़ कीजिए लेकिन जो देसी बार उड़ा रहे हैं वो सच्चा मोती ले सकते हैं वो इसमें से पानी में मत डालिए चाहे सच्चा मोती दस ग्राम ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप सच्चे मोती दस बीस पच्चीस पीस वैसे अलग से ला के रख लीजिए और एक कबूतर के हिसाब से एक दाना डाल के पीस दीजिए ठीक है ये पानी अब आपने देना कहते हैं बाजी थे चार घंटे पहले यानी आपने छः बजे उड़ाना है तो रात दो बजे सात बजे उड़ाना है तो तीन बजे आठ बजे उड़ाना है तो चार बजे हल्की सी चुटकी भर का पानी एक दिन पहले शाम को तीस एम पानी में डाल दोगे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रात को दो बजे देना है तो सुबह ग्यारह बजे तीस एम पानी में हल्की सी चुटकी इस सारे सामान की पीसे हुए की इसका पाउडर बनाना है भाइयों और तीस एम एल पानी छान के अच्छी तरह से कबूतर को आपने दे देना है मैं पहले ही बता दूँ उसी को लगेगा जो कबूतर रात को पानी लेता था जो कबूतर आपके पानी पे अच्छे चल रहे होंगे जो कबूतर आपके पानी पचा सकते हैं नहीं तो आपका कबूतर सूझ जाएगा भाइयों हो ये बात का भी ख्याल रखना कई बार रात के पानी से भी कबूतर सूझ जाता है जिसकी सोच का पता बाद में लगता है तो जो कबूतर आपका अच्छा चल रहा है पानी अच्छा खींच रहा है ये कबूतर सिर्फ गर्मी निकालेगा और बाकी जो काम आपने अपना करना है वो करते दीजिए पानी आजमा के देखिए चांदी का वर्क करके फार्मूला मत छोड़िएगा जो देसी गिरवार वाले है वो सच्चे मोती भी इसमें से निकाल दे सिर्फ एक कबूतर के साथ एक सुच्चा मोती पीस दिए कीजिए जो पंजाबी उड़ाने वाले हैं वो सच्चा मोती अगर ज़्यादा ऊंचा जाने पे आपको डर है तो सुच्चा मोती मत डालिएगा इन चीज़ों को आपको समझना पड़ना है हर कबूतर बार का अलग नुस्खा होता है तो शुक्रिया भाइयों इस फार्मूले को आजमा के देखिए चीज़ों को ठंडी जगह पे सुखाना है धूप में नहीं सुखाना तीन चार दिन इसे अच्छी ज़्यादा सूखने दीजिए बिल्कुल पापड़ी टाइम इस पापड़ टाइम का ये सामान बन जाता है बहुत सी चीज़ें ठीक है ना मलटी बहुत ठंडी होती है तो उसको दस ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल ना डालें हल्के मौसम में पानी ना यूज़ करें हल्के मौसम में यूज़ करना है तो मलटी निकाल दीजिए मलठी मत डालिए बिल्कुल बंद कर दीजिएगा शुक्रिया भाइयों 40 चालीस प्लस टेम्परेचर का पानी है आजमा के देखिएगा और बताइएगा शुक्रिया